Hello students, good morning. As you know, story problems is going on from the lesson 6. Okay, so today we have completed class assignment 6A. Okay, and today we will solve home assignment 6E. Clear? So let's read the first story problem. Clear? Rashmi goes to the market for shopping. Okay, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि रश्मि जो है shopping करने के लिए market गई हुई है. She has rupees 490. उसके पास कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं? 490. Okay, she spends rupees 340. वो कितना खर्च करती है वहाँ पर मार्केट पर शॉपिंग करने के लिए, कितना खर्च करती है? 340. क्लियर? हाउ मच मनी इज शी लेफ्ट विथ. ठीक है, तो यहाँ पूछा, क्वेश्चन कर रहा है कि रश्मि के पास, उसके पास कितने पैसे बचे हैं. ठीक है, कितने पैसे बचे हैं उसके पास. ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम क्या करना होगा, हमें इसमें सब्ट्रैक्शन ही करना होगा. ठीक है, जो पहले उसके पास पैसे थे उसमें से हम क्या करेंगे, जितने पैसे उसने खर्च कर दिए हैं उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्लियर? तो ये हमारा, ये क्या है, इसको सॉल्यूशन बोलेंगे. सब्ट्रैक्शन, जो हम सब्ट्रैक्शन करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्यूशन कहलाता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन लिख के फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. क्लियर? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, बिफोर स्पेंडिंग, बिफोर स्पेंडिंग शी हैड, ठीक है, बिफोर स्पेंडिंग शी हैड, खर्च करने से पहले उसके पास कितने थे, खर्च करने से पहले उसके पास कितने थे, पहले 490 रुपीज़ ना. तो यहाँ आप लिखेंगे 490. ओके, तो ये ज़ीरो वंस प्लेस पर है तो हमने वंस कॉलम में रखा, नाइन जो है टेंथ प्लेस पर है तो हमने टेंथ कॉलम रखा, फोर जो है हंड्रेड प्लेस का है तो हमने इसको हंड्रेड कॉलम में रखा. ओके, यहाँ पे आप रुपीज़ का छोटा सा साइन लगा दोगे. ओके, ये रुपीज़ का साइन है. क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखोगे इसके लिए, शी शी हैज स्पेंट, स्पेंट, ठीक है, वह खर्च की, उसने कितना खर्च कर दिया है शॉपिंग में, शॉपिंग के लिए उसने कितना खर्च कर दिया है, 340. ओके, 340. थ्री जो है हंड्रेड स्पेस का है, हंड्रेड कॉलम रखा, फोर जो है टेंथ स्पेस का है तो टेंथ कॉलम रखा, ज़ीरो जो है वन स्पेस का है तो हमने इसको वन कॉलम रखा. क्लियर? सी हैज़ अ स्पेन, उसने किसने कितना खर्च कर दिया उस मार्केट में, 340. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट. अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज़ीरो माइनस ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो. ओके, नाइन माइनस फोर, ये नाइन है, फोर माइनस कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ बचा फाइव. क्लियर? फोर माइनस थ्री वन बचेगा, ठीक है, फोर है थ्री माइनस किया तो वन बचा. ओके, तो उसके पास कितने पैसे बचे, खर्च करने के बाद कितने पैसे बचे, आप आंसर में क्या लिखेंगे,
आफ्टर स्पेंडिंग, आफ्टर स्पेंडिंग she has rupees 150. ठीक है, तो यहाँ पर खर्च करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे? She has rupees 150 left. ठीक है, उसके पास 150 रुपए बचे, खर्च करने के बाद उसके पास रुपीज 150 बचे. क्लियर? तो ये लिखेंगे अब, ये हमारा आंसर, ये हमारा सॉल्यूशन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू, लेट्स रीड दिस. रमन हैज अ टॉय शॉप. रमन के पास एक टॉय शॉप है. ठीक है, आपको पता है ना टॉय शॉप क्या होता है? वो शॉप जिसमें खिलौने मिलते हैं. ठीक है, जिस शॉप में खिलौने होते हैं. ठीक है, जिस दुकान से आप खिलौने लेने जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? टॉय शॉप. क्लियर? ही सोल्ड 153 टॉयज इन द आफ्टरनून. ठीक है, आफ्टरनून में, दोपहर में उसने कितने खिलौने बेचे हैं? 153 खिलौने बेचे. क्लियर? इन द शॉप देयर वर 514 टॉयज. क्लियर? शॉप में कितने खिलौने थे? 514 टॉयज थे. क्लियर? ये वो टॉयज हैं बेचने से पहले. ठीक है, बेचने से पहले उसके पास कितने टॉयज थे? 514 टॉयज थे दुकान में. ठीक है, दुकान में उसके पास, उस शॉप में कितने टॉयज थे बेचने से पहले? 514. ठीक है, और बेचा कितना उसने इस टॉय में से? 514 टॉय में से कितना उसने बेचा? रमन ने 153 टॉयज बेच दिया. ओके, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है देखिए. हाउ मैनी टॉयज डज ही हैव नाउ. अब उसके पास कितने टॉयज बचे हैं, ये पूछ रहा क्वेश्चन. ठीक है, उसके पास कितने टॉयज बचे हैं, रमन के पास कितने टॉयज बचे हैं? तो क्या करेंगे, पहले जितने टॉयज थे उसके पास, उस दुकान में, उस शॉप में जितने टॉयज थे, टोटल टॉयज कितने थे? 514 टॉयज थे. ठीक है, पहले ये लिखेंगे ऊपर, उसके नीचे हम लिखेंगे और उसने जितने बेचे टॉयज, 514 में से जितने टॉयज बेचे, 153 यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो आपको पता है बिगर नंबर को हम ऊपर रखते हैं और स्मॉल नंबर को नीचे रखेंगे. क्लियर? तो ये हमारा सॉल्यूशन है. अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो हम यहाँ हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशन का. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम ट्वाइस बिफोर सोल्ड. ओके, बेचने से पहले कितने थे टॉयज के पास, यहाँ पे लिखेंगे छोटा सा सेंटेंस, टॉयज बिफोर सोल्ड. ठीक है, नहीं आ रहा इधर, मैंने इसके नीचे लिख दिया टॉयज, ये ओ है. ओके, टॉयज बिफोर सोल्ड, बिकने से पहले कितने टॉयज थे उसके पास? 514 टॉयज थे. ठीक है, लिखेंगे 514. 5 इज एट हंड्रेड प्लेस, हंड्रेड कॉलम लिखा. 1 इज एट टेंस प्लेस, टेंस कॉलम लिखा. 4 इज एट वंस प्लेस, तो हमने इसको वंस कॉलम में लिखा. ठीक है, अब आते हैं ये, अब उसने कितने टॉयज बेचे, लिखेंगे यहाँ पे टॉयज ही सोल्ड. ठीक है, टॉयज ही सोल्ड, कितने बेचे, वह कितना बेचा टॉयज? 153. 1 इज एट हंड्रेड स्पेस,
तो हंड्रेड्स कॉलम रखें, फाइव इज एट टेन स्पेस, टेंथ कॉलम में, थ्री इज एट वन स्पेस, तो वन कॉलम में, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट, फोर माइनस थ्री वन होता है, ठीक है। हमने जस्ट किया था ना सब्ट्रैक्ट, फोर माइनस थ्री तो वन बचा, तो यहाँ भी वही फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन, ओके। अब ये वन है, फाइव है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो क्या करेगा, जब ऊपर वाला नंबर छोटा है तो अपने बगल वाले नंबर क्या लेगा, वन टेन का बोरो, ठीक है। जब वन टेन का बोरो लेगा तो क्या हो जाएगा, ये इलेवन, ठीक है, वन से ये इलेवन हो जाएगा। अब इलेवन माइनस फाइव, ठीक है, इलेवन यहाँ तक आता है, फाइव माइनस कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो क्या बचा यहाँ पे, सिक्स, क्लियर। अब यहाँ पे क्या बच गया, फोर, क्योंकि इसने वन टेन का बोरो दिया था इधर, तो यहाँ बच गया फोर, ओके, यहाँ बचा फोर, फोर माइनस वन थ्री बचा है, क्लियर। अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, तो कितने ट्वाइस बच्चे, कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 361 का, ठीक है। तो हम लिखेंगे आंसर में, आंसर में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नाउ नाउ ही हैज कितने डिफरेंस आया था, 361 का ना, तो लिखेंगे नाउ ही हैज 361 टॉयज, ओके। तो अब उसके पास कितने टॉयज हैं, 361 टॉयज हैं, ठीक है, बेचने के बाद, ठीक है। 514 टॉय में से 153 टॉयज बेचने के बाद अब कितने बचे हैं इसके पास टॉयज, 361, क्लियर। तो ये हमारा आंसर हुआ, ये सॉल्यूशन हो गया, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर वन, ये आपका क्लास वर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर टू क्लास वर्क, क्लियर, एंड क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर होमवर्क टुडे, एंड क्वेश्चन नंबर फोर आल्सो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर फॉर होमवर्क टुडे, क्लियर। तो आप क्वेश्चन नंबर थ्री फोर होमवर्क करेंगे, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर वन टू, क्वेश्चन नंबर थ्री फोर, ये फोर क्वेश्चंस आप बुक में सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लास वर्क होमवर्क आप बुक में सॉल्व करना है, क्लियर।